वेलकम बैक। हम ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक क्वेश्चन पोज किया था, वो ज़ईम कादरी साहब ने भी सुन लिया और शर्मिला फारूकी ने भी सुन लिया। ज़ईम साहब ने तो कुछ उसका जवाब दिया अपने तौर पे, आप किस तरह देखती हैं इसको? देखिए, दो चीज़ें हैं हैदर। बिल्कुल वाज़े तौर पे तो नहीं कह सकते कि अमेरिका के एग्जैक्ट इंटेंशंस क्या हैं। ऑफकोर्स हमेशा वो बात करते हैं कि आया पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं आधे इन सेफ हैंड्स और नॉट, तो ये कहीं से घुमा फिरा के वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तो लगाने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो बेसिकली शायद उनका एंड, जो एंड गेम जिसे आप कहते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर उनके अजायम, देखिए आई टेल यू व्हाई दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड, आई टेल यू व्हाई दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड, क्योंकि अगर इसका जवाब ये है कि चाहे कुछ भी हो न्यूक्लियर वेपन्स के पीछे उन्होंने आना है, तो हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। फिर हमें पता होगा कि भाई ये तो एंड गेम तक हमारी उनसे जंग होनी है। नहीं, ये तो लेकिन अगर, अगर 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 एक्चुअल उनका रीजन वाकई ये है कि हमने रवाबित रखे हुए मिलिटेंट विंग्स के साथ, तो फिर हमारी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। अच्छा, अब देखें एक चीज है, ये भी एक बात में कुछ ना कुछ सदाकत जरूर है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमें अपनी इंटरनल क्लेंसिंग भी करनी है, ठीक है। आपने पीनस मेहरान का वाक्य देखा GHQ के ऊपर, लेकिन आप ये नहीं जवाब दे रही कि आपकी रीडिंग क्या है अमेरिका के इंटेंशन के हवाले से। रीडिंग पूछ रहा हूँ मैं, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं समझ रहा आप दे सकते। पहली बात तो ये कि अमेरिका हम पे आज तक डाउट करता है, वो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो समझता है कि हमारे रवाबत हैं मिलिटेंट से और हम उनको इस्तेमाल भी करते हैं। जो बड़े वाजे तौर पर कह देगा अकानी नेटवर्क को आप इस्तेमाल करते हैं और टारगेट तो ISI है, ISI अच्छा है, मतलब है। अब वो कह रहा है कि ये उनका सबसे, अगर हमें ये पता है कि वो ISI के खिलाफ हैं और एक्चुअली अगर हम मिलिटेंट विंग से रवाबत खत्म कर दें तो भी वो हमारे पीछे आएंगे। इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पार्ट ऑफ आर आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो पाकिस्तान में। हाँ, और बात ये है कि अमेरिका ने हमेशा हमेशा, मैंने तो जो मुख्तलिफ हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये वही करवा रहे हैं उनके जरिए, मुख्तलिफ औकात में मैंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं से टारगेट किया गया है। जी कादरी साहब, आई थिंक ऐड करना चाह रहे हैं आप, ये हकीकत है कि आप उसको टारगेट करना चाह रहे हैं अमेरिका। और फिर मैंने ये भी देखा है और हम सब ने ये देखा है कि अमेरिका की नजरें हैं हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे। दिस इज अब आप इसको एक लाइन डिवाइड नहीं कर सकते। अगेन, ओनली अ न्यूक्लियर एसेट, दे वांट इट इवेंचुअली बिकम्स एन इस्लामिक बॉम्ब, दे वांट अ रिस्पेक्टेबल एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान आल्सो। यानी मैं कादरी साहब भी इसको आई थिंक एड्रेस कर, बक ऑफ द फेलियर ऑन पाकिस्तान और जी मैं करता हूं, मैं करता हूं। जी सर आप ऐड करें, इनका तो मौकिफ है कि वो हमारे बॉम्ब के पीछे। जी मैं बिल्कुल ऐड करूंगा, जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनसे, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान एक थर्ड, मतलब जिसको वो थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, उनका एटॉमिक इंस्टॉलेशन नहीं है, इवेंचुअली इट बिकम्स एन इस्लामिक बॉम्ब। तो प्रॉब्लम ये है कि उनकी आंख में बहुत खटक रहा है। नंबर दो, आप मुझे बताइए कि क्या अमेरिकनों के ताल्लुकात मिलिटेंट विंग से नहीं है अफगानिस्तान में? क्या वो उनके साथ गुफ्तगु नहीं कर रहे? गुड तालिबान से अगर एक काम खुद वो कर रहे हैं और डायलॉग करना एक चीज, डायलॉग करना हेल्प करना कि वो अमेरिकन को अटैक करें एक और चीज है, उनका इल्जाम तो ये गुड तालिबान यार यही तो बात है ना। सो दिस दीज आर ऑल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, लेट मी टेल यू दिस। मेरी ये थ्योरी है कि जो भी लोग वहां हैं, हम तालिबान मैंने तो नहीं बनाए थे मेरे भाई, आपको याद है किसने बनाए थे, किसकी जंग लड़ी थी उन्होंने रशिया के खिलाफ, किससे असला लिया था। आज भी जो निज़ाम है उनके पास, वो तमाम वही पैसे हैं ना, बिलियंस ऑफ डॉलर जो गए थे, वो कुछ यहाँ उनके साथियों ने खा लिए, कुछ उनको दे दिया। आगे कहेंगे वो उस जमाने में ठीक काम कर रहे थे, अब गलत कर रहे हैं। किसने बनाए थे तालिबान? अच्छा, जब वो उनके लिए काम कर रहे थे तो ठीक काम कर रहे थे, आज वो अपने मुल्क की जंग लड़ रहे, आज वो अपने मुल्क की जंग लड़ रहे हैं। जिस वक्त तालिबान बनाई थी रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब के कौन थे? चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं थे, जियाउल हक का दौर था, मजलिस शूरा थी और उन्होंने बनाई थी, उनके लोग थे। अच्छा, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं भाई, चीफ मिनिस्टर पंजाब के थे, बाद में बने 85 में, वो बाप 78 में बन गई थी, तालिबान बने थे वहां, 82 में जंग खत्म हो गई थी, 83 में याद करें सर, आपकी तारीख उमर को मानने वाली वाहिद दुनिया की एक हुकूमत और रियासत थी पाकिस्तान, उस वक्त नवाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी उनकी खुद मुख्तारी नहीं उन्होंने नहीं किया था। तो भाई तालिबान की हुकूमत मोहतरमा ने भी तस्लीम की थी। जी जी, नवाज शरीफ साहब की जो इंटीरियर सिंध विजिट है उस पर भी जाना है। ये बताते चलें कि हाउ कंसर्न शुड द पाकिस्तानी सिटीजन बी के अमेरिका वाकई आपके ख्याल से हम पे अटैक कर सकता है, रियलिस्टिकली सिचुएशन क्या है, हाउ डू एनालाइज इट? जी मैं ये कहता हूं कि तमाम पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, बहुत अच्छा हमें जो करना चाहिए वो बात की बात है सर, ये बताएं उनके अजायम क्या है नजर आ रहे हैं, हमारी बात तो रिएक्शन बाद में ख्याल के वो
मेरा नहीं ख्याल कि वो जियो पोलिटिकल सिचुएशन देखते हुए एक गूफ अप करेंगे, और ये गूफ अप इतना बड़ा गूफ अप होगा कि ये वो जो उन्होंने किया था सदन में क्या म्यांमार और वियतनाम में, वो दे डोंट वांट टू गेट इनटू अनदर वियतनाम, लेट मी टेल यू दिस, एंड देयर वुड बी मतलब दैट वुड बी अ बिग नो, बट दे वोंट ट्राई टू कॉन्कर अस ना, दे वोंट पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, बट दे मे स्टिल बॉम्ब अस. I hope. I mean, नहीं, I think that, I think that, इतनी ताकत पर कौन है माशाल्लाह, ये नहीं होगा इंशाल्लाह. ये वो मेरा ख्याल है कि ना वक्त और हालात, इतनी जरूरत नहीं किसी में. बात ये है कि अमेरिका हमें अक्सर थ्रेट देता रहता है, बट ये थ्रेट ज्यादा नहीं लगी आपको, मुख्तलिफ नहीं लगी? बिल्कुल है. अभी एक चंद दिनों में एक और प्यार भरा सा कोई ओबामा की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि पाकिस्तान की कुर्बानियां बल हैं और हम जानते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एलाय. ये होता रहता है. क्लिंटन एक बयान देते हैं, एक और अप एंड डाउन का हिस्सा आप कह रही हैं, फिर वो आता है, वो करते हैं. दे वांट टू कीप दैट प्रेशर, मुझे तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर लग रही थी. दे वांट टू कीप दैट प्रेशर ऑन पाकिस्तान. मुल्लन साहब तो खत्म हो गए हैं, वो तो 3 साल पहले होता खत्म हो जाता, वो साल बाद रिटायर हो रहे हैं मेरे भाई, वो तो 1.5 साल पहले बड़ा होता है तंग करने आ गए. तो नहीं नहीं सुन लेना, वहाँ होता क्या है कि एक साल पहले वो फारिग कर देते हैं और नया आदमी आके उनके साथ लग जाता है. ही इज़ द की मैन, ही इज़ द वन हु इज़ मेकिंग डिसीजंस, बिकॉज़ उस द आउटगोइंग पर्सन हैज नो अथॉरिटी. पाकिस्तान में इवन द प्रेसिडेंट, इवन द प्रेसिडेंट लूजेस हिज एंटिटी देयर बिफोर ही इज लीविंग. अच्छा कादरी साहब, अब आपके कायद की तरफ चलते हैं, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने इंटीरियर सिंध का दौरा किया और जाहिर है कि वहाँ पे जो डेवस्टेशन थी, उन्होंने अपना लीडरशिप का मुजाहरा करने की जाहिर है वहाँ कोशिश की होगी और दिखाने की कि वो जाहिर है कंसर्न है हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट सूबे में, इतनी बड़ी डेवस्टेशन आई है. आप नवाज शरीफ साहब का जो विजिट रहा इंटीरियर सिंध का, उसको किस तरह देखते हैं विद द सिंध पॉलिटिक्स, जिस तरह से सिंधी नेशनलिस्ट और फिर जुल्फिकार मिर्जा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, एक नया डायनामिक वहाँ उभर रहा है. हो सकता है नेशनलिस्ट पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं जिनसे हैं ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब के, कुछ आपको लग रहा है कि सिंध में इनरोड्स बन सकती हैं? हाउ वाज नवाज शरीफ साहब ट्रिप टू द इंटीरियर ऑफ सिंध? आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी सक्सेसफुल ट्रिप. इनिशियली तो जब वो तशरीफ लेके गए पहली बार, तो यकीनन अब जब पॉलिटिकल क्वेश्चंस होंगे तो जवाब भी सियासी होगा, लेकिन वो पॉलिटिकल मोटिव्स इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि वो उस डेविस्टेशन को देखने गए थे जिसपे बहुत सारे बहुत लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो गए, अरबों रुपए की जो फसलें थी वो तबाह हो गई. It was a catastrophe, I think. और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से, पंजाब की तरफ से 175 ट्रक जो गए रिलीफ गुड्स के, 253 मिलियन रुपीज़ की यूटिलिटी आइटम्स गई, 57 ट्रक सिर्फ उसमें शामिल थे रॉ राइस के. 4 हमने वहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल्स खोले जिसमें अबाउट 28 के करीब हमारे डॉक्टर्स हैं, 52 का पैरामेडिक्स है, और इसके साथ हमने 4 एम्बुलेंसेस दी. इस बार हमने एक नया एक्सपीरियंस किया थरपाकर में और 2 जगह और पे, हमने लाइव स्टॉक क्लिनिक्स खोले और 20 लाख रुपए की दवाई से कोई 21,000 के करीब लाइफ स्टॉक को ट्रीट किया, और हमने वहाँ पे उन 4 क्लिनिक्स पे 9 डॉक्टर्स हैं हमारे और कोई 18-20 के करीब हमारे पैरामेडिक्स हैं. तो इनिशियली तो हमने ये किया वहाँ पे जाके, और 5 करोड़ रुपए के टेंट्स थे जो गए, और अब वो तादाद ट्रक्स की टोटल जो है वो अबाउट 225 तक पहुंच चुकी है इस वक्त तक. सही, मैं एक सवाल का जवाब दीजिए. जरदारी साहब गए नवाबशाह, उनको एक तिब्बी दौरे पे जाना था बाहर, उससे पहले वो नवाबशाह ऑप्टिक्स करने के लिए गए, वहाँ पे उन्होंने एक सियासी शोशा छोड़ा ये कहते हुए कि नवाज शरीफ साहब से कहें कि ये सियासत ख़त्म कर दें, अभी सियासी बयान देने का टाइम नहीं है और अभी मिल के काम करने का टाइम है. एक तरफ सैलाब है, एक तरफ डेंगू की वबा है, और वरना ऐसा वक्त ना आ जाए कि हम खोलियों में भी ना मिल सकें. ये जरदारी साहब ने सियासत ना करने की सियासत का पहला शोशा छोड़ा. नवाज शरीफ साहब को जवाब देना पड़ा, उनको सिंध आना पड़ा, या सिंध आना वो वैसे भी चाहते थे, वो आ गए. नवाज शरीफ साहब जब सिंध आए, ये सारे काम जिनकी आपने लंबी फहरिस्त में सुनाई, हमें सुनाई, उसको आने का मकसद ये था कि आने के बाद फिर उन्होंने सैलाब जदगान को सियासी बयान सुनाए कि जी हम आ गए हैं आपके लिए, मैंने इतनी तबाही नहीं देखी, मैंने इतनी ख़राब गवर्नेंस नहीं देखी. तो सर ये सारे जो अच्छे काम हुए हमारी आवाम के लिए, ये भी सियासत की वजह से हुए ना? सियासत करनी थी, सियासी कार्ड्स खेलने थे, टिट फॉर टैट करना था, जरदारी साहब ने बहुत अच्छा मूव कर दिया था, उसका जवाब देना था. जी मैं बताऊं आपको कि ये बात मैं क्योंकि स्पोक्समैन रहा हूँ 9 वर्ष के करीब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये दौरा पहले से प्लान था
एक दिन जब जरदारी साहब तशरीफ लेके गए हैं तो उससे एक दिन पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ जा रहे थे और वही फ्लड अफेक्टेड ज़्यादा एरियाज थे जहाँ पे जाना था। तो हमने उस पेशे इस पेशे नज़र के जरदारी साहब ने इमिजिएटली अपना दौरा अनाउंस कर दिया तो हमने भी उसको पेंड कर दिया फॉर टू डेज। शायद इस बात पर जरदारी साहब ने पॉइंट स्कोरिंग कर ली होगी, बहरहाल करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान मेरा भी उतना है जितना जरदारी साहब का है और नमिया साहब का भी उतना ही है जितना किसी और का है। हमारा वहाँ जाना बनता था, हमारे वहाँ लोग हैं, हम उनको मिले हैं, हमने उनकी दादरसी की है। और जहाँ तक सियासी गुफ्तगु यकीनन गवर्नेंस की जो बात आप कर रहे हैं ना, गवर्नेंस पे मेरे लोग तो वहाँ दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम। आप सिर्फ मीर तालपुर साहब जो एमएनए हैं उनकी आप नवाब साहब सर ये जल्दी से बता दें कि हुकूमत की कारकर्दगी आपको कैसी लगी, आपकी कारकर्दगी आपने बयान कर दी, हुकूमत की कारकर्दगी कैसी लगी वहाँ? देखिए एक तो मैं ये कहूंगा कि कैटास्ट्रोफीज यकीनन किसी के कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन क्यों सर कुछ अगर इंतजाम कर लेते पानी का तो वो ये तो चार साल की बिजली थी कहते हैं या चार साल का एग्रीकल्चर था जो चला गया और तबाही मचा गया और जहमत बन गई रहमत। अब देखें ना पानी का इंतजाम इस तरह हो सकता था कि वहां पर कोई बहुत बड़ा डैम या निज़ाम बना लिया जाता तो उसके तो कोई गुंजाइश नहीं थी, दरियाओं पर तो गुंजाइश वहाँ नहीं है डैम बनाने की। और ये प्रीएम्प्ट करके बारिश का पानी था, ये दरियाओं का पानी मेरे भाई नहीं था। तो इस पे तो फैसला है सिर्फ एक थोड़ा सा लैप्स आया गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने मेटलर्जी वालों से ये गुफ्तगू नहीं की कि भाई इस बार 180% मोर रेन जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। तो अब अगर वो बता रहे थे तो किसी को रिस्पॉन्ड कर देना चाहिए था। जब उन्होंने बताया तो कुछ लेटर्स भी लिखे गए और कुछ इश्तहारात भी दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से जो मीडिया पर मैंने देखा, मैं खुद तो नहीं खिदमत में हाजिर हो सका, इंशाल्लाह अब जाऊँगा नेक्स्ट वीक। तो अर्ज सिर्फ ये है कि उन पर रिस्पॉन्ड नहीं हो सका, फाइन, बट कैटास्ट्रोफी जब हो गई तो फिर आपको फुल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के साथ कन्फ्रंट करना है। एक कमेटी बनाई वज़ीर आज़म ने, वो कमेटी मैं एक प्रोग्राम में था तो नवाब साहब ने ये फरमाया कि भाई कारा साहब ये कमेटी की मीटिंग कराची मत कीजिए, ये नवाब साहब में आके कीजिए। उन्होंने 3 कमेटी की मीटिंग कराची में की और वहीं से तशरीफ वापस ले गए। तो बात यह है कि ये चीज़ें जो है ये फिर लोगों के सामने आती हैं। कादरी साहब मैं फारूकी से चाहूंगा कि इसकी वजाहत भी ले लें और वो मजीद वो खुद भी गई थी और वो भी बहुत कुछ देख के आई हैं। छोटी सी एक अर्ज कर दूं जी, छोटी सी एक अर्ज कर दूं कि रिसोर्सेज यकीनन बहुत स्केयर्स हैं, कम हैं, क्वांटम इस कैटास्ट्रोफी का बहुत बड़ा है, लेकिन यकीनन टू एन एक्सटेंट कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं अगर उनको इमिजिएटली वहां पे रिस्पॉन्ड कर दिया जाता तो इतना बड़ा लॉस ना होता, मेरा सिर्फ ये कंसर्न। मिस फारूकी आपके ख्याल से ये जो अवाम और इंटरनेशनल डोनर्स लोकल डोनर्स ने अदम एतमाद कुछ लोग कहेंगे दिखाया आमत में, जिस हिसाब से डोनेशन नहीं आई जिस हिसाब से आनी चाहिए थी, इसके हवाले से आप क्या वजाहत पेश करेंगे? हैदर डेफिनेटली डोनर फटीक है क्योंकि दुनिया भर के अंदर कैटास्ट्रोफीज हो रही हैं, वेदर इट्स चाइना वेदर इट्स अमेरिका, लेकिन ये कहना कि डोनर्स ने लोकल और इंटरनेशनल डोनर्स ने कोई अदम एतमाद दिखाया हुकूमत ने बिल्कुल गलत है। सदर साहब कराची के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने इंटरनेशनल डोनर्स लोकल एनजीओस बिजनेस कम्युनिटी आर्टिस्ट कम्युनिटी तमाम के साथ मीटिंग करी, मैं उसमें मौजूद थी। कल ही इंटरनेशनल डोनर्स के साथ मीटिंग हुई है और यूनाइटेड नेशन यूएसए तमाम के तमाम। वही अगर सर आपको ये बताऊं कि सिर्फ अलोन चाइना ने $4.7 million दिए हैं, टर्की मतलब कैश इन काइंड, ईरान यूएई सऊदी अरेबिया मुख्तलिफ जो दुनिया के ममालिक उन्होंने दिए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी ने कोई $200 million दिए। तो कहां के पैसे आ रहे हैं? कैश में आ रहे हैं, काइंड में आ रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको मुइज, हर कलामिटी की अपनी एक डेफिनेशन होती है, अपनी एक डायमेंशन होती है। ये जो कलामिटी आई है ना, ये जो बारिश गिरी है, पिछले साल जो फ्लड्स आए थे 2010 के, उससे 4 गुना ज्यादा ये नुकसान हुआ है। अगर आप ये देखें, आई डोंट थिंक दैट्स करेक्ट, ऐसा नहीं हुआ, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज़ मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, 4 गुना ज्यादा नुकसान कहां पे हुआ है? मेरी बात सुने, लेट मी कंप्लीट, तब मुझे बात करें, आप जरा सबर से सुने ना, सबर बहुत जरूरी है। बात यह है बदीन के अंदर जो रिकॉर्डेड रेन होती है 20 मिलीमीटर होती है, इस दफा बदीन के अंदर 612 मिलीमीटर बारिश आई है। थर पारकर जहां आप पानी के एक बूंद के कतरे के लिए तरसते हैं वहां 540 मिलीमीटर आया है। मीरपुर खास 866 मिलीमीटर, दिस इज
ये एक अल्लाह ताला की तरफ से बारिश एक अजाब बन गई है, रहमत नहीं थी। शर्मिला साहब, मैं आपको बात टाइम भी कम है, मुझे देखिए, मैं मुझे ये भी सुन लीजिए, उन चार इलाकों में चार दफा ज्यादा डैमेज हुआ है, लेकिन वो कंट्रोल्ड है ना? नहीं, आप मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल वेलकम करती हूँ नवाज शरीफ साहब आए, जो कुछ भी दिया, मैं कहती हूँ कोई कतरा भी दे, कोई एक एक निवाला भी दे, वो वेलकम है, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज है। दिस इज अ टाइम ऑफ नेशन बिल्डिंग। अल्लाह ताला ये कौमों को आजमाइश में डालता है कि जहां पर आपका एक ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट, एक इंस्टिंक्ट आपका उभर कर बाहर आए। मैं नहीं समझती कि ठीक है, मियां साहब ने कुछ सियासी बयान दिए, मैं उससे ज़रूर इख्तलाफ कर सकती हूँ, लेकिन वो आए, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गए, सदर साहब गए, कराची में बैठे हुए हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं पूरी सिविल सोसाइटी को, बिजनेस कम्युनिटी को इस वक्त जो, और मीडिया की तरफ से मैं कहना चाहूँगी कि खुदारा आप दिखाएं ह्यूमन मिजरी क्या है, ना सिर्फ ह्यूमन मिजरी, लेकिन जो जानवर जो परेशान है वो ना बैठ सकता है ना उठ सकता है, एक अजाब के अंदर है, आप जब तक वहां पर मौजूद नहीं है आपको तकलीफ देख नहीं सकते। अच्छा, आपने फ्लड्स की, फ्लड्स की आपने जो प्रिकॉशन दिखाई वो एक चीज है, ये डेंगू, अच्छा डेंगू की बात करें, सिंध में डेंगू फैल सकता है, आपने क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, मदद करें, क्योंकि ये आप प्रिकॉशनरी मेजर्स का बताएं, डेंगू के लिए आपने क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है सिंध के लिए, वहाँ फ्लड्स भी आ गए, पंजाब का हाल आपको पता है। देखिए बात ये है कि यहाँ पर जो डेंगू के जो अभी इशू आया है, तकरीबन कोई 200 डिटेक्ट हुए हैं डेंगू वायरस के जो पेशेंट्स हैं, तमाम फ्यूमिगेशन करा दी गई, इसी नोट पे मिसालों की हमें जाने का कहा जा रहा है, सर्वेलेंस सेल भी बना दिया, खुदा ना करे, अल्लाह करे इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़ती हम आपको फिर बुला के पूछेंगे कि वाकई ये सारी चीजें जो हैं वो लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई या नहीं। आज हमने बात की ज़ईम कादरी साहब और शर्मिला फारूकी से, वी थैंकफुल टू बोथ फॉर कमिंग ऑन आर शो। इंशाल्लाह कल 10:02 पे एक दफा फिर मुलाकात होगी।